Yum, yum, hey, hum. को बुला दीजिए। देखिए आप रिसेप्शन पे जाके फॉर्म भरिए। अरे कौन सा फॉर्म? क्या होता है फॉर्म? मैं कोई बात, मैं कोई बात। मुझे ना बड़ी महंगी वाली चिंता हो रही है। हम सबको अस्पताल जाके बिंदिया भाभी को देखना चाहिए। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। चलो चलो। अरे अरे रुको रुको रुको, कहीं जाने की जरूरत ना है। अरे भाई मेरी बलदेव से बात हुई थी, उसने कहा है कि बिंदिया भाभी का ऑपरेशन चल रहा है और अंदर सिर्फ फैमिली वाले जा सकते हैं और किसी को अलाउड ही नहीं करते। लेकिन भाई साहब, अब हम लोग यहाँ ऐसे बैठे भी तो नहीं रह सकते ना। तो ठीक है भाभी जी, लेकिन चौधरी साहब वैसे क्या कहा डॉक्टर ने, कैसी तबीयत है बिंदिया बहन की? भाई जावला, मैंने ताऊ जी से बात करी थी, बता रहे थे कि चोट तो बहुत गहरी है, पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। कुछ नहीं होगा बिंदिया बहन को, वाहेगुरु उसकी रक्षा करेगा। भाई साहब आप लोग ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम मंदिर जाकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ अब ईश्वर ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ भाई, हम सबको मिलके बिंदिया भाभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। चलो चलो चलो। ऑपरेशन खत्म हो गया है। पापा जी 12 घंटे करीबन हो गए। डॉक्टर वैजीब, हमारी बहन कैसी है? देखिए मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दे सकता, चोट काफी गहरी और अंदरूनी है और ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया था, इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ा। अब हम पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, अगर जल्द ही उन्हें होश नहीं आया तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर प्लीज। देखिए डॉक्टर साहब,
आपको जो भी जड़ी बूटी चाहिए, जो चाहिए, जहाँ से चाहिए हमें कहना, हम ले आएंगे आपके लिए, किंतु हमारी बहन को बचा लीजिएगा। देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बिंदिया जी ठीक हो जाए। प्रभु, आके खोलो बेटा, तुम हमारी बिटिया हो ना, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ जी, संभालिए अपने आप को। नर्स, आईसीयू ले चलो। मम्मी, दादाजी, वो हमको पूछना था कि बिंदिया भाभी कैसी हैं आप? बेटा, अभी कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर जल्दी होश नहीं आए तो कुछ भी हो सकता है। तहरे दादाजी, आप ना अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप देखिएगा, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। हम सबकी प्रार्थना है ना बिंदिया भाभी के साथ है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्या हुआ कावेरी? क्या हुआ? क्या बोला दादाजी ने? दादाजी ने कहा कि बिंदिया भाभी खतरे से बाहर नहीं है। क्या? हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। पूजा अर्चना के साथ साथ मुझे लगता है हमें दान पुण्य भी करना चाहिए। हो सकता है दान पुण्य करने से बिंदिया बहन के सेहत में सुधार आ जाए। हाँ, मैं सेठ जी से कहकर सारी मिठाइयाँ बिंदिया बहन के नाम पर देसी घी में बनाऊंगा और हम सब वो सारी मिठाइयाँ गरीबों में बांट देंगे। मैं भी अपनी दुकान से गेहूं, चावल, दालें वगैरह मैं सब गरीबों में दान करूंगा। मैं भी कंबल और कपड़े दे दूंगा। हाँ हाँ, तो चलो जी, बिना देरी किए हम भी बहन के नाम पर दान पुण्य करें। जल्दी चलो। अगर जल्दी ही उन्हें होश नहीं आया तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रभु, चित्रगुप्त जी। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम नारद जी। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम महाराज। आप तो स्वयं मृत्यु के देवता हैं, परंतु आज आप स्वयं इस घटना के आगे इतने विवश कैसे हो गए? क्यों महाराज? नारायण नारायण। नारद जी, हम मृत्यु के देवता अवश्य हैं, किंतु आज हम किसी के भाई हैं। जब बात अपने परिजनों पर आती है तो एक साधारण मनुष्य इतना लाचार महसूस करता है, ये हमें आज पता चला है। चित्रगुप्त जी, हम भीतर ही भीतर बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं हम। प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी, ऐसी पीड़ा, ऐसी लाचारी, ऐसी बेबसी हमने आज से पहले कभी अनुभव नहीं की। ना तो हम जीवन दान दे सकते हैं और ना हम इस दुर्घटना का परिणाम जान सकते हैं, तो किस बात के देवता हुए हम? प्रभु, आप उदास मत हुई, आपसे जितना बन सका आपने किया, लेकिन होनी को कौन डाल सकता है प्रभु? जी महाराज। नहीं नाराज जी, चित्रगुप्त जी, हम हार नहीं मान सकते। कोई ना कोई रास्ता तो हमें अवश्य निकालना होगा। बिंदिया बहन के साथ हम ऐसा नहीं होने देंगे। नारायण नारायण। महाराज, आप कितने दयालु, कितने कृपालु हैं, आपके हृदय में कितना प्रेम है महाराज। अवश्य महाराज, मनुष्य जाति आपसे बहुत कुछ सीखेगी, परंतु हमें क्षमा कीजिए महाराज, हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और महाराज, आज हम भी बहुत भावुक हैं, इसलिए महाराज हम आपको उपहार स्वरूप ये पुष्प भेंट देना चाहते हैं। महाराज, इसे स्वीकार कीजिए। धन्यवाद नारद जी। ये फूल हवा में कैसे चल रहा है? ये लोग कौन है बेटा?
अरे ये फूल तो अपने आप उड़ रहा था। अरे भाई कौन हो आप लोग? नारद जी ये शरारत करने का वक्त नहीं था। नारायण नारायण, चित्रगुप्त जी हम क्षमा चाहते हैं, परंतु हम शरारत नहीं कर रहे थे महाराज, हम वाकई में भूल गए थे। नारायण नारायण। मनुष्य आप भयभीत मत होइए, ये जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं ये नारद जी हैं। हम यम, यमराज, यम है हम। यम, यमराज जी, ये तू मुझे कैसे अस्पताल ले आया जहां यमराज खुद टहल रहे हैं? मुझे यहां से जल्दी ले चल बेटा, जल्दी ले चल। मनुष्य भयभीत होने की बात, नारद जी। नारायण नारायण, क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु हमें आज्ञा दें। परंतु महाराज आप बिल्कुल चिंतित मत होइए महाराज, भविष्य के गर्भ और ईश्वर की लीला में क्या छुपा है ये कोई नहीं जान सकता। नारायण नारायण। क्षमा कीजिए प्रभु, लेकिन काल चक्र के आगे पूरा ब्रह्मांड बेबस है, सबको अपनी करनी का यही भुगतान करना पड़ता है। हमारी बहन की यह अवस्था बचपन के उस एक दुर्घटना की वजह से हुई है। आप विधि का विधान और हमारा लिखा हुआ नहीं बदल सकते। यह होकर रहे, यह होकर रहे, यह होकर रहे। चित्रगुप्त जी हम होनी को तो नहीं बदल सकते हैं, किंतु हमारी बहन पर लगे उस अभिशाप को तो दूर कर ही सकते हैं। हम उस मनुष्य से मिलेंगे जो उस दुर्घटना के बाद बिंदिया बहन को आज तक क्षमा नहीं कर पाया है। यदि हमारी बहन के सिर पर लगे इस अभिशाप को हमने अभी दूर नहीं किया तो वो अभिशाप हमारी बहन पर जन्मों तक भारी रहेगा। आप ठीक कह रहे हैं प्रभु, चलिए उस मनुष्य को ढूंढते हैं। चलिए। एक मिनट याम जी, आप कहां जा रहे हो? ये भी हम अपनी बहन का कर्ज चुकाने जा रहे हैं। कर्ज? क्या मतलब? कितना कर्ज है उन पर? पुत्र हम अभी आपको कुछ नहीं बता सकते, पुत्र हमें अभी चलना होगा। अब यम जी मैं आपके साथ चलूं? नहीं देवी जी, आप हमारे साथ नहीं चल सकती हैं। ये कार्य हमें स्वयं ही संपन्न करना होगा। किंतु यदि आप हमारी मदद करना चाहती हैं तो हमें वीर सिंह नामक इस मनुष्य का पता बता दीजिए। इधर देखो, वीर सिंह नाम के तो पता नहीं कितने लोग होंगे पूरी दिल्ली में। हम कैसे पता लगाएंगे? ये वीर सिंह अपने पैरों से अपाहिज है। अब एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है। इंटरनेट है ना, हम उस पर सर्च मार के देख लेते हैं, कोई ना कोई डिटेल जरूर मिल जाएगी। क्या वीर सिंह ना? वीर सिंह, वीर सिंह दिल्ली। मिल गया, वीर सिंह नाम का आदमी जो अपाहिज है और उसकी किराने की दुकान है। हाँ उनकी भी दुकान थी। तो फिर अवश्य ही होंगे। तो मैं एड्रेस लिख के दे देती हूँ आपको, ठीक है? जी। इधर देखो ये लो पेन, फिर से इधर देखो ये लो पेपर। ये लीजिए, एड्रेस तो लिखा है और साथ में मैंने अपना नंबर भी लिख दिया है, इन केस अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर दें। धन्यवाद देवी, हम चलते हैं। अब हम लौटेंगे तो अपनी बहन को कर्ज मुक्त करके ही लौटेंगे। आप हमारी बहन का ध्यान रखिएगा। जी चलते हैं। ऑल द बेस्ट। चित्रगुप्त जी, प्रभु सुश्री देवी ने यही पता बताया है क्या? हाँ प्रभु, लगता है यही घर है, अंदर जाके देखे। चलिए। भाई साहब बस कुछ दिन और रुक जाइए, हम वादा करते हैं कि आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। पूरे 10 लाख हैं, कैसे चुकाएगा? ऑटो चला के देखिए,
हम पर भरोसा कीजिए, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। बस हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। देखो बहन, बात धंधे की है। तुम्हारा मकान और दुकान दोनों हमारे पास गिरवी रखे हुए हैं। अगर तुमने समय पर पैसा नहीं दिया ना, तो हम दोनों को बेच देंगे, फिर तुम सब की सब समझ पे आ जाओगे, समझे? प्रभु, इनमें से वीर सिंह कौन है? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? क्या बोल रहे हैं आप लोग? ताकि आप कुछ लिखने में बात करता हूँ। जब पैसे दिए हैं तो वापस तो मांगेंगे ही, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है वीर सिंह? चित्रगुप्त जी। हाँ, यही है वीर सिंह जी। जी प्रभु। देखो, दुकान गिरवी रखी है, कोई इज्जत नीलाम नहीं की है कि आ गए कीचड़ उछालने के लिए। अगर दुकान का पैसा नहीं दे पाए तो बेच देना दुकान को, पर खबरदार जो आगे से मेरे परिवार पर कीचड़ उछाला तो। वाह भाई वाह, एक तो पैसा दो, ऊपर से इनकी बातें भी सुनो। ठीक है वीर सिंह, आपको 3 दिन की मोहलत देते हैं, 3 दिन के अंदर हमें 10 लाख रुपए ला करके दे दो, वरना ये मकान और दुकान दोनों तो है तुम्हारे हाथ से गए। चलो। टंकीबाज लगते हैं। प्रभु, इनकी हालत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। चिंता मत कीजिए पिताजी, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। क्या इंतजाम होगा बेटा, और कैसा इंतजाम होगा? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे कोई सपने पूरे कर नहीं पाया। उस मनुष्य दिन को मैं कैसे भूल जाऊं? उस मनुष्य दिन की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट में मेरी दोनों टांगे बेकार हो गई, और बेकार टांगों के साथ मैं यहां मजबूर होकर बैठा हूं। प्रभु, ये मनुष्य तो अभी भी उसी घटना को कोस रहा है। कब तक कोसेंगे पिताजी, उस दिन को भूल जाइए बस। कैसे भूल जाऊं? उस एक्सीडेंट की वजह से तेरे सारे सपने मिट्टी में मिल गए। घर खर चलाने के लिए तुझे ऑटो चलाना पड़ रहा, तेरी माँ सिलाई कढ़ाई कर रही, पर मैं यहाँ अपंग लाचार व्हील चेयर पर बैठा हूँ। बेबस नहीं है आप पुत्र। आप भले ही खुद को बेबस समझे, किंतु आप में बहुत क्षमता है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। कौन है आप लोग? यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। यम, चित्रगुप्त, नौटंकी वाले हो क्या? क्या लेने आए हो यहाँ? हम आपकी सेवा करने आए हैं। सेवा? समाज सेवक हो क्या? समाज सेवक ऐसा ही समझ लीजिए पुत्र। देखो, हम पहले से बहुत परेशान है, और परेशान मत करो, और वैसे भी मुझे फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ए, निकलो यहाँ से। देखिए, हम केवल आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या मदद करोगे तुम? 3 दिन में हमें 10 लाख रुपए चाहिए। अगर 10 लाख रुपए नहीं चुकाए तो मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, मेरी दुकान बिक जाएगी। ला सकते हो 10 लाख रुपए कहीं से? नहीं ला सकते तो जाओ यहां से। बड़े आए चंदा मांगने वाले, हे निकलो तुम यहां से। चल बेटा। आप एक बार हमारी बात देखिए प्लीज, आप जाइए यहां से, जाइए। प्रभु, वो मनुष्य खुद इतना मुसीबत में, वो हमारी बात कैसे समझ पाएगा? समझेगा चित्रगुप्त जी, यदि उसे 10 लाख मुद्राएं दी तो वो समझ जाएगा। हाँ, किंतु चित्रगुप्त जी, केवल 3 दिन है हमारे पास, इन 3 दिनों में हमें 10 लाख मुद्राओं का प्रबंध करना होगा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.